हेलो भाई, मैं पवार। ये क्रेटा का बेस मॉडल है भाई, ई डीजल। इसको मैं काफी टाइम से अभी चला रहा हूँ। मेरे को मतलब इसका नस नस पता चल चुकी है भाई, कैसी गाड़ी कैसी नहीं है। तो इस बेस मॉडल का मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ भैया। अगर आप भी प्लान कर रहे हो 14-15 लाख तक का आपका ऑन रोड के लिए बजट है, तो आपको इस गाड़ी के अंदर बेस ब्रांड के अंदर मेनली क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो जो आप देखते हो ना, इस वाली का नया ये बढ़ा दिया है भैया, थोड़ी सी ऊपर सीट उठ गई है, थोड़ी सी आपको एसयूवी वाली फील देती है। उसका मैं आपको दो बताता हूँ, मैंने बोनट इसीलिए खोल रखा है। उसका कारण पता है कहाँ? वो आपने अगर भैया हमारी एंडेवर वाली वीडियो देखी हो, जिसको हमने रैप्टर में कन्वर्ट करवाया था, तो उसको उठाने के लिए ना इस तरीके से पत्ती सी लगी थी ये ऐसे उठने के लिए यू, तब जाके उसका फेंडर उठा और उसी चक्कर में फिर उसका लाइट वाइट और जो बम्पर वम्पर है फिर वो उसी तरीके से अलाइन होता है। तो पहले वाली क्रेटा में ना ये वाला सिस्टम नहीं हुआ करता था, तभी वो तो उसका बोनट थोड़ा सा लेटा हुआ रहता था। लेकिन अब इन्होंने इसमें थोड़ी सी उठा दी है, थोड़ी सी इसको वो वाला लुक दिया है कि थोड़ा बोनट दिखना चाहिए, थोड़ी एसयूवी वाली फील आनी चाहिए। तो इन्होंने ये तीन ये अलग से लगा दी इसमें पत्ती सी। आप हथौड़ा मारोगे ना, ये चट जैसे अंदर चला जाएगा और फिर जो आपकी फेंडर लाइनिंग है ये भी नीचे चली जाएगी और गैप जो रहेगा, मतलब आप इस साइड लगाओ पिछली वाली क्रेटा से नहीं, 2024 फेसलिफ्ट क्रेटा में इतना गैप आया भाई ऊंचाई ऊंचाई में। जो फेंडर पे आपका जो फेमस आपको इंडिकेटर दिखता है, उसका कपलर भी अभी विजिबल होने लग गया है क्योंकि इसकी हाइट बढ़ गई है। पहले तो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से हुआ करता था, तो कुछ भी नहीं दिखता था। अब यहाँ पे इन्होंने जबरदस्ती है उठाई है, तो यहाँ पे आपको वो चीज यहाँ पे प्रॉपर दिखती है। तो ये बेस मॉडल है, ये डीजल के अंदर 115-120 का 250 Nm का टॉर्क आपको निकाल के देता है और इसके अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। ऑटोमेटिक वगैरह आपको बेस ब्रांड में नहीं मिलेगा। पेट्रोल में जाओगे तो उसमें 115 HP वाला इंजन आ जाएगा, नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर का 143 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। टॉर्क में बहुत ज्यादा फर्क है, करीबन 100 Nm एक्स्ट्रा देता है और आपको पैसे भी फिर उसी हिसाब से करीबन 2-2.5 लाख रुपए इस स्पेशल इंजन के लिए देने पड़ते हैं। लेकिन ये इंजन जिसने चला लिया वो पेट्रोल के बाद जैसे इसको चलाएगा भूल जाएगा कि पेट्रोल नाम की कोई चीज होती है, कहेगा चाहे 2 लाख रुपए ज्यादा कमाने पड़े मेरे को 2 साल में भी, पर लूंगा तो डीजल ही। पर भैया कई भाई ये भी शर्माते हैं भाई कि यार वो 15-10 साल वाला चक्कर, हालांकि 10-15 साल मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा रखता नहीं है गाड़ी को। और ये इसका इंसुलेशन वगैरह भी आ रहा है, गाड़ी बहुत साइलेंट है भाई। फेज टू के अंदर आपका डीएफ वगैरह भी डलता है। इसका इंजन कूलेंट हो गया, इंजन इसकी बैटरी हो गई, यहाँ पे इसका मिलता है अपने को एयर फिल्टर वगैरह। चलो मेनली आपको फीचर्स के बारे में बताता हूँ बेस ब्रांड में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले बोनट से स्टार्ट करोगे तो भाई ये डिट्टो कॉपी स्कोडा कुशैक का है, जिस तरीके से कुशैक में आता है, बस फर्क इतना है कुशैक में जैसे ये वाला पार्ट उठा हुआ है, ये दोनों दबे हुए हैं, फिर ये उठे हुए हैं, मतलब उन्होंने बस उल्टा कर दिया है कि बीच वाला ना उठा के दबा दिया है, वरना बिल्कुल डिट्टो कॉपी कुशैक जैसी लगती है। ग्रिल आप देखोगे ना बेस ब्रांड में आपको भाई मैट में मिलेगी। इसको आप पियानो ब्लैक फिनिश में बड़े प्यार से आराम से करवा सकते हो आप तो मार्केट, बस पियानो का फर्क है ऊपर वेरिएंट्स में। और ये डार्क क्रोम ना, अब ये ऊपर वाले वेरिएंट्स में तो भाई ये आता है अपना एलईडी के फॉर्म में, मतलब डीआरएल्स आते हैं, लेकिन ये डार्क क्रोम बड़ा मेला मेला सा अजीब सा लगता है, इस पर बहुत स्क्रैच वगैरह भी आते हैं और ये मतलब साफ करने में भी इसको ना बड़ी दिक्कत सी होती है। गाड़ी में ना बाहर की साइड बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक पार्ट हो गया है, ऑल थैंक्स टू ये बम्पर में जो इन्होंने लाइट्स के अराउंड दिया है ना, मतलब टॉप मॉडल भी लोगे ना उसमें भी ये ब्लैक ब्लैक वाले पार्ट है ना बेस मॉडल वाली फील आती है, पता नहीं भैया क्यों क्या चक्कर है। और आपको ये लाइट्स में हेलोजन लाइट्स मिलती है, प्रोजेक्टर आ रहा है इसके अंदर, हेलोजन बल्ब है यहाँ पे, आपको हाई बीम मिलती है इसके अंदर, रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन बल्ब है। इनका थ्रो बहुत ही गंदा है भाई, एकदम थर्ड क्लास। यहाँ पे आपको मिलेगा भैया इसका टोइंग हुक, यहाँ से अगर गाड़ी बड़ी फंस जाती है हमारे जैसा फंसा देता है उसको निकाल सकते हो, और यहाँ इसकी नंबर प्लेट लगेगी जब इसकी आ जाएगी। और जो इसमें ये वाली लाइट दे रखी है ना, इनको मतलब एकदम ऐसे डीआरएल वाली चीज वो ना करें, डीआरएल बहुत ज्यादा तेज होते हैं, इनको एक तरीके से पार्किंग लाइट में हम कंसिडर कर सकते हैं। और जलते भी केवल तब जब आप पार्किंग लाइट ऑन कर देते हो, जैसे देखना मैं एकदम लाइट्स को पूरी बंद कर दूंगा ना तो ये भैया अपने बंद हो जाएंगे, जबकि डीआरएल हमेशा जलते रहते हैं, देखो ये बंद हो चुके हैं। तो एक तरीके से पार्किंग लाइट है, लोग इसको डीआरएल बता रहे हैं, वो गलत है भाई, डीआरएल अलग चीज होती है, पार्किंग लाइट अलग चीज होती है। डीआरएल ये होते तो अब भी जल रहे होते जब मैंने लाइट बंद कर दी, जबकि इंजन ऑन है हमारा, आपको आवाज नहीं आ रही होगी ना क्योंकि भाई इंसुलेशन इतनी प्यारी है, इनका डीजल इंजन है इतना सॉलिड। अब साइड से बात करोगे ना आपको बेस वेरिएंट में कुछ भी डिफरेंस नहीं पता चलता है। ऊपर वाले वेरिएंट्स में तो अलॉय व्हील फर्क आ गया नए वाले 2024 फेसलिफ्ट में, लेकिन इस वाले वेरिएंट में साइड से कुछ भी फर्क नहीं है, वही सेम आपको टायर प्रोफाइल मिल रही है, 205/65R18 की अपोलो के टायर आ रहे हैं बेस वेरिएंट में। ये तो चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ दे देते कभी कुछ दे देते, कभी कुमो वगैरह से तो चलो बैटरी है, पहले कुमो पे अड़ गए थे ये और किया वाले, पर अब दे दिया ये भैया, बहुत बुरा दिखता है इसका इंडिकेटर, ये तो खत्म हो जाना चाहिए मार्केट से, मतलब सरकार को भी बैन कर देना चाहिए मेरे ख्याल से तो। पर सरकार को क्या ही दिक्कत है, क्या मतलब वो मेन तो पर्पस सोल्व हो रहा है ये बताने का, आप कंपनी चाहे कहीं भी दे। मतलब भाई ये ह्यूंडई वाले इतने तेज हैं, जैसे लोगों को केवल आगे पीछे शिकायत थी ना ह्यूंडई को लेके, क्रेटा को लेके सॉरी, तो केवल आगे पीछे से ही बदला है, साइड से बदलने की कुछ वो इच्छा ही नहीं करी, क्योंकि कोई किसी को दिक्कत ही नहीं, कोई कहता ही नहीं था, पर मेरे ख्याल से साइड से भी लिटिल लिटिल मॉडिफिकेशन होनी थी। पर भैया फिर इनको डोर फॉर कई फर्मा बदलने पड़ते हैं, कई ये इधर उधर करना पड़ता है, इसमें रूफ रेल वगैरह ना ये क्रोम गार्निश वगैरह कुछ नहीं आएगी। पीछे से मेन बात करोगे यहाँ पे मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं भाई बेस ब्रांड से ही, आपको कनेक्टेड एलईडी यहाँ पे मिल रही है पीछे साइड, लेकिन एलईडी नहीं रहेगी, ये थोड़ा सा ना जैसे रिफ्लेक्टर के पीछे ऐसे लट्टू से लगा रखे उस टाइप की फील यहाँ पे दे रही है। यहाँ पे ब्रेक लाइट भी आपको वही बल्ब वाली मिल रही है, यहाँ पे इंडिकेटर भी पीछे यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखे हैं, और जो बैक लाइट है आपकी
ये आपको सेंटर में भैया ये हेलोजन मिलेगी सारे ही वेरिएंट्स में। थोड़ी और सी तो लगती है इसकी प्लेसमेंट पर, ऐसी कोई दिक्कत करती नहीं है, दिख जाता है इससे, पर इसमें तो पीछे कैमरा भी नहीं आ रहा है तो देख के करेंगे क्या हम लोग। शीशों में से तो दिख ही जाता है। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेगा। इसका टोइंग हुक दिया है इस बार यहाँ पे, बंपर वगैरह इन्होंने चेंज कर दिया, टेल गेट भी चेंज है, लेकिन यहाँ पे शार्क फिन एंटीना अभी भी नहीं दिया है भाई। स्पॉइलर आ रहा है और हाई स्टॉप माउंट लैंप जो है आपका ये काफी बड़ा दे रखा है, यहाँ पे देखिए पूरी जल गई है। अभी ये बूट की मैं बात करूँ, 433 लीटर का बूट स्पेस है, जिसके अंदर ये वाली ये सारी जो नंबर प्लेट्स हैं ये मैंने मंगवाई है सारी की सारी fameofcars.com से। अच्छा इनके बारे में अभी बताता हूँ भाई, इनके इतनी किलर डील चलाई है ना कंपनी वालों ने, आप विश्वास नहीं करोगे। पार्सल ट्रे वगैरह इस पे है नहीं, बेस्ट टाइम है भाई अब इनको खरीदने का सबसे पहले। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर आता है 16 इंच का स्टील रिम। और एक चीज हो रहा है, इंटीरियर आप देखोगे इसका पूरा बूट वगैरह भी सब कुछ ग्रे कलर में और ऑफ व्हाइट कलर में फिनिश दे रखी है यहाँ पे। और भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारी बेस मॉडल आपको पता ही है भाई, ई बेस मॉडल, लेकिन अगर आपको ये 400-500 रुपल्ली में मात्र टॉप मॉडल बनानी है तो भैया उसके लिए मेरे पास पूरा जुगाड़ है। उल्टा है क्या भाई, ये आता है भैया जैसे इस बार क्रेटा और इन्होंने ये पहले क्रोम में लिख के आता था, अब सिल्वर कर दिया है, तो सिल्वर कलर में ये SX बिल्कुल ब्रांड न्यू हुंडई का ओरिजिनल पार्ट है। ये मैंने मंगवाया fameofcars.com से, मात्र 500 रुपए में मैं बनाने वाला हूँ अपनी गाड़ी को फुल टॉप मॉडल। इसका टॉप मॉडल आता है पूरा 25 लाख रुपए का, यानी कि टॉप मॉडल ला खरीद के पूरे 10 लाख रुपए बचा लिए। बस मतलब पता कैसे चलता है, पीछे से और कोई डिफरेंस नहीं है, वाइपर मतलब आम जन तक पता ही नहीं चलता, सब लोग SX पढ़ते हैं। वाह यार SX लेके चल रहा है छोरा, वाह क्या बात है यार। इस तरीके से उछाला इसको बिल्कुल यहाँ पे चिपका दूंगा, जैसा हुंडई अपनी गाड़ी में टॉप मॉडल में लगा के देती है, बिल्कुल सीधा एकसार ऐसे कर देना है मेरे को, और फिर जो ये पन्नी है ऊपर से ये इस तरीके से उछाल देनी है। अब बताओ भाई 500 रुपए में टॉप मॉडल बनी ना बनी क्रेटा हमारी, बताओ आप बता दो हैं? अब रही है ये कहीं से भाई, अभी भी ये तो टैग लग गया, एक तो नकली चीज लग गई है, तो मेकअप हो गया अंदर से, दिल और मन तो काला ही है, सॉरी इसका तो ग्रे है। तो भाई स्पेशल ऑफर, अब सुन लो, हमारे भाइयों को इतना शौक है, अभी जो गाड़ी वर्क के एकदम शौकीन बंदे ना सब हमारी वीडियोस देखते हैं, सब भाई ये कहते हैं भाई अरुण भाई थोड़ा सा महंगा रेट है यार 2000 रुपए की नंबर प्लेट। तो मैंने थोड़ी कंपनी वालों से रिक्वेस्ट करी, भैया ऐसी बात है थोड़ा लिटिल प्राइस कम करो भाई, ये इतने बड़े दिल के हैं ना ये कंपनी वाले, इन्होंने ऐसी कस्टमाइज नंबर प्लेट्स पे आप कुछ भी लिखवा सकते हो 10 डिजिट तक, जाट 1143, जाट 0001, TKG 0001, मतलब वट एवर जो भी आपका नाम है 10 डिजिट तक 500 रुपए का डायरेक्ट ऑफ मिल रहा है भाई। अगर आप कूपन कोड लगाते हो वेबसाइट पे जाके रिपब्लिक, तो सीधे 500 रुपए का ऑफ है, और ये आपको पड़ेगी फिर 1500 रुपए की दो नंबर प्लेट विद फ्री फ्रेम्स। भाई इससे सस्ता तो अब क्या होगा, क्वालिटी देखो आप एक बार प्लेट, आपको विद फ्रेम दोनों प्लेट्स में फ्रेम भी मिल रहा है, और कुछ भी आप लिखवा लीजिए। और भाई मैं बता दूं इस पे यहाँ पे चिपकाने के लिए नहीं है भाई, ये कि आप यहाँ पे चिपकाओ चलान कट जाएगा, ये सब शौकीन लोगों के लिए भैया, खड़े हैं कहीं पे ऐसे लगवा के फोटो वोटो खिंचवा ली, रील फील का जमाना है वो बनवा लिए, रोड पे लेके चलोगे चलान होगा, आपकी जिम्मेदारी है भाई, ये आप ना करें। ये केवल ऐसे लुक के लिए, गिफ्ट पर्पज के लिए गेट पे लगा लिया, आरटीओ डिजाइन में आपको स्टाइल में अपना पसंद है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। अभी जाओ भाई fameofcars.com पे, मैं लिंक दे रखा है, और रिपब्लिक कोड यूज करना, और ये ऑफर केवल 31 जनवरी तक ही है भैया, तो लूट लो मैं तो कहता हूँ दबा के। पर हुंडई वालों ने ये दिक्कत कर रखी है भैया, वाइपर्स आपको आज ही मंदे टाइम वाले मिल रहे हैं टॉप मॉडल से, ये बहुत बुरे लगते हैं। बेस मॉडल से ही ना आपको भाई ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, बहुत काम का फीचर, बहुत जरूरतमंद, पापा हो आप हो, हर जनरेशन के लोग इसको अपने ऊपर करके, जैसे भाई बूढ़े होते हैं वो ऊपर करके चलाते हैं, अंबार होते हैं नए जवान छोरे थोड़े नीचे करके चलाते हैं, सबके लिए सुविधा दी है हुंडई ने। यहाँ पे आप देखोगे चारों पावर विंडो आपको मिलेंगी, लेकिन लाइट आपको केवल ड्राइवर साइड में मिलेगी, और डोर अनलॉक करने का लॉक करने का यहाँ पे सिस्टम है, ये और ब्लैक में आएगा भी है, डुअल टोन आपको मिलेगा इसका कलर, और यहाँ पे आपको मिलता है भैया सी साइड एडजस्ट करना आपको, तो मंदे टाइम वाली डंडी ही आपको देखने को मिल रही है। गाड़ी के अंदर चलोगे तो बेस वेरिएंट से ही आपको भाई सबसे पहले तो भैया डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है, और ये इसका मीटर मिलता है इस तरीके का डिजिटल, पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए सेंसिटिव फ्यूलिंग, और ये पूरी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही है, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहा है, ये भी मस्त है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सेल्टोस से ना ये थोड़ा छोटा है, इसकी डिजिट वगैरह थोड़ी सी छोटी आती है। यहाँ पे इसके मिलते भाई लाइट वाइट जलाने कंट्रोल, और ये आपको मैनुअल वाइपर कंट्रोल मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक लाइट्स वगैरह आपको ऊपर वाले टॉप वेरिएंट्स में जाकर मिलेगी। यहाँ पे कुछ मैग्नेट वैगनेट दे रखा है, कुछ आपको फ्रीज वगैरह जो चिपकाते ना हल्की पतली चीज आप चिपका सकते हो। बेस मॉडल से ही भाई ऑटो ऑन ऑफ और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी मिल रहा है। चाबी की बात करोगे इस तरीके की नॉर्मल फ्लिप की आपको देखने को मिल रही है, जैसे मारुति मंदिर टाइम से अपनी एक ही की देता है, इसी तरीके से ये भी भाई हुंडई वाले भी सेम चीज करते हैं, लॉक का बटन अनलॉक का बटन होल्ड करके रखते हैं तो बूट भी अपना अनलॉक हो जाता है, और ऐसे करके इसमें आप चाबी लगाओगे और इसमें भी क्लच दबानी पड़ती है गाड़ी चालू करने के लिए। आप कितने सेल मान लो, जब तक क्लच नहीं दबेगी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी,
जैसे क्लच दबाई यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे रेंज वगैरह बता देगा आपको, रेंज कितना यहाँ पे फ्यूल का बताता है भाई, 144 किलोमीटर रेंज रहेगी तो एक डंडा दिखाता है। ये एनालॉग बहुत अच्छा रहता था पहले टाइम में आता था, जो मस्त लगता था। यहाँ पे अपने को इंजन वगैरह का टेम्परेचर वगैरह पता चलता है। बेस मॉडल में सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको लगेगी भैया, आप लेते ही इसमें एक इस तरीके का स्पीकर वगैरह खरीद लेना, ब्लूटूथ वगैरह, क्योंकि आपको इसमें जरूरत पड़ेगी। आपको इसके अंदर स्पीकर या स्टीरियो वगैरह नहीं मिलेगा, ये खाली डिब्बा मिलेगा और ये भी मैट में। ये जो दे रखा है भैया यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, ये एकदम खाली खोखला है। यहाँ पे इसके मिलता है भैया एसी कंट्रोल, बड़े छोटे छोटे से, ये बहुत घटिया लगते हैं मेरे को। सारी गाड़ी के इंटीरियर को लुक को बिगाड़ा, या तो इसको पैनो ब्लैक में कर देते या फिर सेल्डोज की तरह इनको बड़े बड़े कर देते, ये भी देखने में भाई बहुत प्यारे लगते हैं। अब इस बार ये कर दिया गया, चार्जिंग पोर्ट आपको दे दिया टाइप सी और 12 वोल्ट का एक यहाँ पे आपको सॉकेट मिल रहा है इस तरीके का। यहाँ पे आपको यूएसबी ए पोर्ट वगैरह इसके अंदर बंद मिलेगा और यहाँ पे अपना फोन हो, वॉलेट हो, आप आराम से रख सकते हो, पर्ची वगैरह टोल टैक्स की। बेस ब्रांड्स आपको काफी गुड लुकिंग भैया गियर नॉब मिल रहा है सिल्वर फिनिश में, दो कप होल्डर, यहाँ पे हैंड ब्रेक जो आपको मिल रही है इसमें ये भी ब्लैक मिल रहा है, इसका आर्मरेस्ट मिलता है जिसके अंदर आप सामान अपना कुछ और रख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे फोन रखने की जगह है, इस स्पीकर वगैरह को भी आप बड़े आराम से यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि स्पीकर इसमें रखते हैं तेज स्पीड दे देते हैं तो एक गिर के आ जाता है और आपको नीचे कोई फोन वोन पड़ा हो उसकी डिस्प्ले को तोड़ सकता है, इसलिए यहाँ पे रख लो। मैं तो कहता हूँ बेस्ट है भाई, इन्होंने ये स्टोरेज बहुत अच्छी दी है। यहाँ पे डैशबोर्ड में ये वाली चीज अच्छी लग रही है, 6 एयरबैग आपको देखने को मिलते हैं गाड़ी में। अपना देखो यहाँ पे भी एयरबैग, सीट में भी एयरबैग, यहाँ पे भी एयरबैग की बैजिंग आपको देखने मिल जाती है, साइड का 10 एयरबैग आपको सारी चीज मिल जाती है। सेफ्टी वाइज हुंडई ने बेस वेरिएंट सही कॉपर फिनिश में का, पिंक कलर फिनिश में का ये मिलेगा। इसका ग्लव बॉक्स मिलता है लेकिन इसके अंदर कूल ग्लव बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। ऊपर साइड भैया सनग्लास होल्डर है, फिर लाइट्स वगैरह इस वाले वेरिएंट में नहीं दी, ये मेरे को सबसे ज्यादा खटक रही है भाई। लाइट की जरूरत पड़ते कई बार अंधेरे में, बट ये तो आफ्टर मार्केट कटवा के यहाँ पे लगवाना ही पड़ेगा, ज्यादा खर्चा नहीं आता, इसको भी दे देते तो सही रहता। जबकि क्या सेल्टोस है भाई, 44-45 हज़ार रुपए महंगी गाड़ी है, बताओ। ये अपने को मिलता है भैया इसका आईआरएम जो कि मैनुअल है, यहाँ पे कोई मिरर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस साइड एक मिरर जरूर बड़ा सा यहाँ पे हुंडई वालों ने दिया है इस गाड़ी के अंदर। इसके साथ साथ स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह नहीं मिलेंगे और यहाँ पे भी कोई क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं है, लेकिन इसको चलाने में भाई बड़ा फील आता है, बड़े मजेदार सा फील होता है ये स्टीयरिंग घुमाने घुमाने में ना, इसकी ग्रिप वगैरह अच्छी बनती है इस तरीके से, देखना क्या मस्त घूमता है ये बात। पीछे साइड ले चलता हूँ भाइयों को, तो इसमें भैया जैसे सेल्टोस में वो आता है कर्टेन वगैरह, इसके अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपने को मिलता है इसका पूरा ऑल प्लास्टिक है भाई, मतलब इसमें कहीं भी सॉफ्ट टच वगैरह इस पूरी गाड़ी में नहीं दिया है। इवन जो आपकी सीट्स है वो भी फैब्रिक में है। यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह मिल रहा है, यहाँ पे स्पीकर वगैरह आफ्टर मार्केट लगवाओगे, ट्विटर वगैरह की भी जगह गाड़ी में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि टॉप मॉडल्स में तो यहाँ के पे लग के आता है, लेकिन यहाँ पे भाई ये डंडी दे रखी शीशों की, या तो आप ऑटोफोल्ड मिरर्स करवाओ। आफ्टर मार्केट तो वैसे ही सारी चीजें ही अवेलेबल हो जाती हैं, निक्कू भैया करोल बाग में जिंदाबाद बैठे हैं। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज अभी 60-40 स्प्लिट सीट्स, आपको अलग अलग तरीके से आप अपनी सीट्स को स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से। साथ में यहाँ पे अपने को एक आर्मरेस्ट भी मिलता है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। बेस वेरिएंट से ये थोड़े से प्रीमियम चीज लगती है भाई, पर इसमें ना सेंटर में वो नेक रेस्ट वगैरह नहीं दिया है। यहाँ पे लाइट मिलती है जरूर पीले रंग की और चारों ही ग्रैब हैंडल वगैरह हमको देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर, ऐसा लगता है भाई इसका ओवरऑल इंटीरियर। पीछे से आप एसी वेंट्स बात करोगे तो यहाँ पे दे रखे हैं और दो टाइप सी के हमको पोर्ट भी मिल रखे हैं इस गाड़ी के अंदर, और जो सीट बेल्ट है उनको ऊपर नीचे करने का भी ऑप्शन दे रखा है। बस थोड़ी क्रेटा में ना अंडर थाई सपोर्ट मेरे को कम लगती है, बाकी तो हेडरूम वगैरह भी आप देखोगे, ये देखो अच्छे से बैठ गया हूँ भाई पीछे साइड, बहुत बढ़िया, मतलब हेडरूम में कभी कोई शिकायत नहीं होती भाई, बहुत अच्छा लगता है। बीच में जो सेंटर है ये हमसा दे रखा है, ये भी कुछ ज्यादा बड़ा सा नहीं है, यहाँ पे हाथ बात भी टिक जाता है और फिर मजा आता है कि ले चलो भैया जितने लंबे ले चलने हैं। बाकी भाई अब बात रही न्यू क्रेटा में सेफ्टी फीचर्स की, तो अब हुंडई ने सारे सेफ्टी फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से देना स्टार्ट कर दिए, यानी कि ई से ही आपको सब कुछ मिलता है, जैसे कि भाई 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ईएसपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वगैरह हो गया, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल हो गया, मतलब जो पहले टॉप मॉडल में फीचर्स आते थे ना अब आपको बेस वेरिएंट में ही वो सब कुछ मिल रहा है। ऐसा कुछ फीचर ही नहीं है जो सेफ्टी में टॉप में आ रहा हो और बेस में नहीं आ रहा हो। एक्चुअली बदनाम बहुत हुए ना भाई हुंडई ग्रुप, सेल्टोस को 3 स्टार मिल रखे हैं, तो ये भी कोई घनी भाई दूध की धुली, इसमें भी सेम मिलेगा। तो इसलिए ना हुंडई ने रिस्क लेना सही समझा ही नहीं, भैया रहने दो, अब आजकल सेफ्टी टाटा महिंद्रा ने इतनी मस्त कर दिया ना कि अब कोरियंस को भी झुकना पड़ गया सेफ्टी के मामले में। बेस वेरिएंट से इतने बड़े-बड़े फीचर दे दिए, जैसे कि ऑल फोर डिस्क ब्रेक, पहले केवल डीजल में डिस्क ब्रेक आती थी, पेट्रोल में आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक आती थी, अब पेट्रोल लो डीजल लो कोई भी वेरिएंट लो आपको ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिल रही है, ये होता है कमाल भैया कॉम्पिटिशन का। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी भाई गाड़ी का बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। नीचे अगर आपको अंडर द बॉडीज का देखना है, रबड़ पेंट वगैरह जो वो शोरूम वाले पागल बनाते हैं भैया, कई लोग बन भी जाते हैं, एकदम टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, जो जरूरत की चीजें कंपनी इसमें करके देती ही देती है। अब बात रही भाई मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, 4-5-7 दिन हो गए मेरे को चलाते इस गाड़ी को भाई, मजा, माइलेज, फाइलेज, हर चीज इतना मस्त, एक्सेलरेशन, जो इसकी क्लच है ना इतनी लाइट है, ऐसे लगता है कि मैं पेट्रोल गाड़ी तो नहीं चला रहा कहीं, ब्रेकिंग हो, स्टीयरिंग कट मारना हो,
बॉडी रोल वगैरह हर चीज ऑन द पॉइंट है भाई। बाकी डिटेल ड्राइवर भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आने वाला हूँ। बाकी हाँ भाई, ऑर्डर जरूर कर लेना अपने लिए famofcars.com से नंबर प्लेट, फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। इस प्राइस में इससे बेस्ट आपको सस्ती कहीं मिल ही नहीं सकती, गारंटी से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।